हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। दिस इज दिव्यन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी और मैंने 4 आवर का चार्ट लिया और बैंक निफ्टी आज पिवट पॉइंट आप देख सकते हैं 26219 एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 26377 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 26497 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 26654 फर्स्ट सपोर्ट 26099 एंड सेकंड सपोर्ट 25942 एंड थर्ड सपोर्ट 25822। और आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी चार्ट और मैंने ये लिया हुआ डेली चार्ट। तो पहले मैं आपको ये, तो यहाँ पे मैंने दो लाइन दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। सो सपोर्ट लाइन मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे जो पहले हायर पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, यहाँ पे वन ट्राई, टू ट्राई, थ्री ट्राई, फोर ट्राई, फिफ्थ, तो वहां से लेके मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाला अराउंड 26759 पे। तो मुझे लगता है मार्केट यहां तक जाने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, तो यहां नेक्स्ट। लेकिन आज और एक चीज देख सकते हैं यहां पे आप, मैंने आज मैक्सिमम मार्केट गया, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज दिया हुआ है, तो ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन दिया हुआ है। तो मार्केट ये जा सकता है 26470 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आसपास आज जा सकता है यहाँ पे, जो 100 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे 4 आवर में, तो 4 आवर में देख सकता है जहां पे मैंने ये दिया था एक चेकली, वहां पे आप 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले लोअर पॉइंट था एक हायर बनाया, राइट, ये पहले हायर था तो उसको ब्रेकआउट किया हायर ने, ये हायर पॉइंट ने एक ब्रेकआउट किया, बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ। तो अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये 61% रिट्रेसमेंट हुआ है, ये जो मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 61% ये रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां से फिर से मार्केट पुल बैक हो गया, पुल अप, पहले जो हायर था एग्जैक्टली वहां पे गया, तो बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और एक हायर हाई बनाया, तो फिर से हायर लो। मुझे लगता है यहां से ये एक रेजिस्टेंस आज के लिए 26473, तो यहां से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना हुआ है, जैसे वन ट्राई, टू ट्राई, थ्री ट्राई, तो मार्केट ऊपर जाके यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो जब हमें अराउंड 25900 मिले तो यहाँ से फिर से हम बाय शुरू कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका लॉन्ग पोजिशन के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट में, 30 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, राइट, एक रेंज में, ये एक रेंज है मार्केट रेंज, ये फॉल्स ब्रेकआउट रेंज का यहाँ पे हुआ था फॉल्स ब्रेकआउट, तो ये मार्केट मुझे लगता है यह रीजन में मार्केट थोड़ा बहुत आज यहाँ पे मार्केट इतना ये रेंज में आज मुझे लगता है मार्केट ये रेंज में रहेगा। और इसको अगर मैं हफ्ता दूं तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी अगर हम 5 मिनट में देखें या 15 मिनट में, जी आप 5 मिनट में देखें, तो 5 मिनट में देखें थोड़ा बहुत ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट में अप ट्रेंड प्लेस हुआ है, अप हायर हाई बना के यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं लोअर पॉइंट, राइट। इस कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा कलर को ग्रीन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लोअर था हायर हाई बाद में एक लोअर, जो पहले लोअर था एग्जैक्टली वहां आसपास आया, ठीक है, उसके बाद लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, तो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो ये हमें एक मिल गया सपोर्टिंग जोन, राइट,
ये सपोर्टिंग जोन से हमें मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर करेक्शन देना चाहिए 200 का आसपास, या पहले जो हायर पॉइंट था ये उसका आसपास मार्केट जा सकते हैं, यहाँ से फिर से मार्केट आने का चांसेस है। तो इसमें देखेंगे आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गए ये अराउंड 25,900 तक आने का चांसेस है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।